हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है 2020 नेट JRF के लिए यहां पर सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों के लिए डेली वीडियोस आ रही हैं फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशन के स्टार्ट कर दिए गए हैं। वीकली करंट अफेयर्स आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोग जितने भी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, सेकंड सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर स्टडी कराई जा रही है। सेकंड सब्जेक्ट जो कि अगर आप लोगों का सोशियोलॉजी है, उसके लिए भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, जितने भी वीडियो सोशियोलॉजी से रिलेटेड के हैं, जो कि दिसंबर और दिसंबर से पहले के आपको मिलेंगे, उनसे स्टडी करिए, नोट्स बनाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हालांकि अभी जो न्यू वीडियोज़ है सोशियोलॉजी के, वो अभी आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, कुछ दिनों में वो भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। हम इधर जो वीडियोस न्यू आएंगे 2020 के लिए, उनमें उन टॉपिक्स को देखने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जिन्हें पिछले बार नहीं किया गया था, छूट गए थे। और जिस तरीके के नए क्वेश्चंस आपको सोशियोलॉजी के एग्जाम नेट का जो हुआ था उसमें आपको देखने को मिले हैं, जो न्यू क्वेश्चंस हैं जिस तरीके पूछे जा रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखकर वीडियोस आएंगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, तब तक आप स्टडी करिए फर्स्ट पेपर और जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स वाली आ रहे हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो वीडियोस आ रही हैं, उन सबको अच्छे से तैयार कीजिएगा। साथ ही ये जो एनवायरनमेंट का रिलेटेड जो वीडियोस हैं और जितनी रिपोर्ट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं इधर आ रहे हैं वीडियो, वो आपके DMRC, LMRC, DRDO, NTPC या UPSI जो एग्ज़ाम है, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट देखिए है क्या, ठीक है। अभी जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा जारी प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जीवाश्म ईंधन अप्रसार की आवश्यकता को रेखांकित करती है, ठीक है। किसके द्वारा जारी की गई है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा जारी की गई है और जीवाश्म ईंधन अप्रसार की आवश्यकता को संदर्भित करती है। आगे अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण नेतृत्व वाले अनुसंधान गठबंधन ने प्रोडक्शन गैप पर 20 नवंबर 2019 को अपनी पहली रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है। कब रिपोर्ट पहली जारी हुई है, 20 नवंबर 2019 को। इस रिपोर्ट में पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापन के 1.5 तथा 2 डिग्री सेल्सियस तक के लक्ष्यों और जीवाश्म ईंधन उत्पादन के प्रयोग के मध्य के अंतर को मापा गया है, ठीक है, के अंतर को देखा गया है। जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें जो वैश्विक तापन है उसके 1.5 डिग्री तथा 2 डिग्री सेल्सियस तक के लक्ष्यों और जीवाश्म ईंधन उत्पादन के प्रयोग के बीच में अंतर को देखा गया है इस रिपोर्ट में। साथ ही प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाओं को भी रेखांकित किया है, ठीक है। IPCC, अब देखिए क्या है, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नियोजित उत्पादन के बीच असंतुलन कार्बन कैप्चर और स्टोरेज जैसे समाधानों को लेकर अनिश्चितता जीवाश्म ईंधन उत्पादन समस्या की सामूहिक कार्रवाई प्रकृति है, ठीक है, कार्रवाई की यह प्रकृति है। पिछले वर्ष प्रकाशित IPCC की ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो वर्ष 2050 तक की वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के लिए वर्ष 2030 तक कोयले से संचालित 66% विद्युत संयंत्रों को बंद करना होगा, ठीक है। अगर हम पिछले वर्ष जो प्रकाशित हुई थी IPCC की जो ग्लोबल वार्मिंग है रिपोर्ट, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें 2050 तक वार्मिंग के, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के लिए वर्ष 2030 तक कोयले से संचालित 66% विद्युत संयंत्रों को क्या करना होगा, बंद करना होगा। साथ ही इसके अतिरिक्त IPCC ने कहा है कि वर्ष 2050 तक विद्युत उत्पादन में प्राकृतिक गैस का उपयोग 10वें हिस्से से कम करना होगा। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के अनुसार विश्व के देश वर्ष 2030 तक अत्यधिक कोयला उत्पादन की राह पर अग्रसर है। विभिन्न देशों द्वारा उत्पादित कुल कोयला वैश्विक स्तर पर तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की तुलना में 150% अधिक तथा तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की तुलना में क्या होगा, या 280% अधिक होगा, ठीक है। वैश्विक स्तर पर तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए 2030 में तेल का उत्पादन 16% निर्धारित किया गया है, जबकि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए तेल उत्पादन को 59% तक निर्धारित किया गया है।
गैस के लिए ओवरशूट के आंकड़े 2 डिग्री सेल्सियस के लिए 14% तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए 70% थे। IPCC ने जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीनीकरण ऊर्जा के साथ साथ अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के प्रयास किए जाने की आवश्यकता को देखा है। IPCC की योजना वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तथा इसके बाद शेष शताब्दी के लिए शुद्ध नकारात्मक उत्सर्जन प्रेषपर्वक लक्ष्य पर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में इम्पॉर्टेंट आपको क्या देखना है, ये जो जितने भी फैक्ट्स हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हो गए जितने भी हैं, ठीक है, तेल का उत्पादन जो परसेंट देखा गया है, ठीक है, और जो पूर्व औद्योगिक स्तर है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए 2030 में हमें क्या करना होगा तेल का जो उत्पादन है, तो आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको एक कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद करना है ताकि एग्ज़ाम के आने तक आपको क्या हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए और अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इसे ज़्यादातर लोगों के साथ, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। थैंक यू।